हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के संगे। खबर रीवा से हवे, जहां रीवा से महापौर पद खातिर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा गुरुवार का अपन पर्चा भरेन। उत्सव राजविलास से लई के रैली काढ़ के शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाय के अपन नामांकन भरिन। अच्छी खबर यह रही के समय गुटन मपटी कांग्रेस इकट्ठा दिखान और सलगे गुट के नेता साथ रहे। अजय मिश्रा बाबा एक ठे जमीनी कार्यकर्ता ही, जे समय माही नगर निगम माही नेता प्रतिपक्ष के काम कर रहे हैं। पहल दर की 1999 माही वार्ड नंबर 17 से पार्षद, तो दूसर दर की 2009 मा वार्ड नंबर 19 और तीसर दर की 2014 माही वार्ड नंबर 17 से उनका चुनागा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अजय सिंह के नियरे होए के उनका फायदा मिला हबे। अपना को बता दें कि अजय मिश्रा के दादा दुदर की विधायक रह चुके हमा। गुरुवार का वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कलेक्ट्रेट में पहुंच के अपन पर्चा भरी। उनकर कहा भाई के अगर जनता उनका मौका दे थी वह और चुनाव जीत जाता तो उनकर पहल काम शहर के विकास करब हुई और जौन कौनो शासन के योजना हुई ओका लोगन का फायदा देवई ही। बतावा जाता है भाई कि नेता प्रतिपक्ष रह के अजय मिश्रा शहर के अलग अलग मुद्दन का ही नगर निगम में उठाए रहे और कई अठे भ्रष्टाचार के मामलों का उजागर करे रहे। महापौर पद के प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा का नहीं किए गए और अधूरे पड़े हुए हैं, जिनको पूर्ण महापौर के द्वारा नहीं कराए गए, जिन्हें आप पूरा करेंगे। कोई भी कार्य नगर में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये अधूरा विकास का शहर है, यहाँ पूर्ण विकास कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर भेड़ चाल का कार्य किया गया है। पूरा विकसित शहर जो स्टील डेवलपमेंट कहलाता है, एक सुंदर सुव्यवस्थित चलने लायक शहर, वो शहर बना कर देंगे हम लोग। वायरल होगा अर्जी है भाजपा वाले करा, बीजेपी सत्ता में है, किस रणनीति के तहत? उनको भय है, भय है कि कांग्रेस एक है तो उनको लगता है कि कांग्रेस टूटे। पर ये बदनाम तो कर ही रहे हैं, करते रहे बदनाम, पर जनता बदनाम नहीं करेगी। धन्यवाद। बुलेटिन के दूसरी खबर मऊगंज से रही, जहां के पैपखार गांव में ही चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन करे में ही 5 जने के ऊपर धारा 188-34 के मामला दर्ज भा हवे। अपना को बताई दे के जानकारी मिली हवे के गाँव के खाभा टोला के सरकारी सड़क में ही सरपंच पद के जे प्रत्याशी हमा उ मुर्मीकरण के काम करावत रहे, जेकर शिकायत गांव वाले SDM के लगे कई दिन। बुलेटिन की अगली खबर डभौरा से रही, जहां एक ठे नाबालिग बिटिया के शादी करे के बात जानकारी माई। अपना का बताया दी कि जहां कई कई सरकार अलग अलग तरीका अपनाए के गांव-गांव माही घरे घरे नाबालिग बिटिया लड़कन के काज न करे खातिर जानकारी देती वह, तो वह गांव लफंदा माही आदिवासी लवकुश कोल अपने 15 साल के नाबालिग बिटिया के शादी राजस्थान से आए एक लड़का के संगे कराए दीन। ये जो एक नाबालिग लड़की का मामला आया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये मामला ढोरा थाना के ग्राम लफंदा में आया है और इसमें पुलिस डायल 100 नंबर गई थी। लड़की लड़के के पक्ष माता पिता को पकड़ के लाए और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया और पता चला कि नाबालिग लड़की की शादी राजस्थान में की गई है। नाबालिग लड़की की शादी करने के लिए भारत सरकार द्वारा रोक लगाया गया है और पुलिस के द्वारा लाना और छोड़ देना पुलिस को संदेह के दायरे में रखता है। ऐसा लगता है कि पुलिस वालों ने पैसा लेकर के मामले को रखा था, इसलिए प्रकरण कायम नहीं किया गया। और ये भी पता चला है कि लड़की जो है राजस्थान जा चुकी है, वर्तमान में नहीं है, ऐसी जानकारी है। सतना से रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही प्रेमी जोड़ा पहुंचे, जहां वो अपने सुरक्षा के खातिर गुहार लगाई। इन्हें अपना को बताई दी कि सतना से आए प्रेमी रीवा के मंदिर में शादी करी, जहाँ बिटिया के माँ शादी के विरोध कर रही है, जेके खातिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाए के अपने जान माल खातिर प्रेमी गुहार लगाई है। कहाँ से रहे हैं? सतना सिंधी कॉलोनी सिंधी कैंप।
आप शादी करने कोई दबाव तो नहीं आपकी? जी नहीं, अपने मर्जी शादी किए हैं। माँ आपकी क्या बोलती है बता दीजिए? माँ हमारे बोलते हैं कि वो हमें देर से बोल लड़का पसंद नहीं है, हम बाहर शादी नहीं करना चाहते हैं। और बोलते थे चली जाओ तुमको जाना है। तो अब हम बालिक हैं, अब हम विवाह कर लिए, तो मम्मी बोलते हैं चोरी करके हम लगाएंगे। मेरा मिथिलेश कुमार साकेत। कहाँ से हैं? गाँव जिला सतना। चौड़े से बोला या दोनों बगल के? आज आप लोग शादी किए हैं मंदिर में, एसपी कार्यालय आए हैं, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हम लोग प्रेम विवाह किए हैं और इसके कारण ये लड़की की मम्मी नहीं चाहती कि इनकी हो, और हम लोग बहुत दिन से चला था और इसकी मम्मी वो भगाती थी इसे, चली जा मेरे घर से, वो तो आज नहीं कल चली जा, आज चली जा इसे बोलती थी। और जब ये चली आई और आके शादी कर ली तो अब गलत बोलती है, बोलती तुम्हें फंसा दूंगे, कर दूंगे कर देंगे, तुम मेरे घर से सामान चोरी जा करके ले गई है। बुलेटिन के अगली खबर रीवा से है, जहां के रीवा सीधी नेशनल हाईवे 39 माही महासाव स्टैंड के लगे गुड़कई से आवे वाला भारत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर से लदा एक ट्रक एक गाय का बचावे के चक्कर माही डिवाइडर से भिड़गा और नाली टोर के रोड के नीचे उतरिगा। गनीमत यह रही के ड्राइवर कूद के अपन जान बचाई और कोनो मेर के जान माल के नुकसान हुई के खबर नहीं आए। बुलेटिन की अगली खबर डभौरा से है, जहाँ के नरहई तालाब के लगे प्रयागराज रेलवे लाइन से लगभग 100 फीट दूर 50 साल के अज्ञात के शव मिला है। गाँव वाले बताएं के मृतक जोन रहे वो मानसिक कमजोर रहे हम। वही घटना के जानकारी लगे के बाद सलगे मोहल्ला माही सना का खींचा हबे। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां के मैहर माही यशोदा ज्वेलर के दुकान माही सेंध भारी भय। अपना बताई दे के दुकान के भीतरे से 3 किलो चांदी के जेवर चोरी हुई के बाद समय आवल्ला ही भय। बतावा जाता है कि चोर ड्रिल मशीन से सेंध मारी करिन और ड्रिले से तिजोरी घलाय खोले के कोशिश करिन। सिचुएशन से साला नाप के दम काम किया। पिछले कुछ समय माही देश के अलग अलग हिस्सन माही जोन हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके विरोध माही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता दोषी के ऊपर कार्रवाई करवावे खातिर रीवा माही कलेक्टर का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिन ही भाई। इस समय बजरंग दल के कार्यकर्ता कहीं के विशेष तौर माही त्यौहार के समय सामाजिक सद्भाव के माहौल का बिगाड़े के नियत से एक विशेष समूह उपद्रव करत है, ऐसे माही जिम्मेदार लोगन के ऊपर कार्रवाई करे चाहिए। आप लोग किस विषय में ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन में आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? जय श्री राम। विषय ये है कि आप बहुत मजाक ना कर, कोई भी त्यौहार हो चाहे नवरात्रि हो चाहे दशहरा हो चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, चिन्हित कर करके हमारे त्यौहारों के ऊपर समय समय में देश भर में दंगे होते हैं, कहीं हमले होते हैं, कहीं कुछ हो सकते हैं। क्या हिंदुओं के देश में आज ये स्थिति आ गई कि हम अपने दुर्गा माता की पूजा नहीं कर सकते हैं? इस तरह होगा यहाँ देश में? शुक्रवार को मस्जिद से चेतावनी दे दी जाती है, धमकी दे दी जाती है और हजारों लोग सड़कों में उतर जाते हैं, हम नहीं उतर सकते क्या? और अभी ज्ञापन आपने सौंपा है तो क्या आप लोगों को कहा गया? अभी हम लोग यहाँ सारे भाई हमारी युवा इकाई है, उनके द्वारा अभी हमने कलेक्टर महोदय से सभी महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, जो कंपनी द्वारा भारतीयों द्वारा जो लगातार पूरे देश भर में छोटी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ सभी कार्यवाही हो, इसके लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। अब बात करी थे सतना के, जहाँ के मैहर माही बिना मौसम के बरसात से हाल बेहाल हुई गा है। अपना का बताई दी के नालिन के सफाई न होए के कारण सलगे रोड माही पानी बहब शुरू हुई गा है। दुकानदारन के दुकान घलाए माही पानी सकान है। लगातार सफाई के व्यवस्था का मजबूत रखा है और बड़ी बड़ी बात कराए माँ जो उन जिम्मेदार पीछे नहीं हटा उनकर थोड़े से बरसात में पोल खुल गए। अब इसमें ऐसा है कि बारिश का मौसम तो चल ही रहा है और यहाँ के वोटरों के लिए वहाँ जाने के लिए अगर साधन सुविधा की बात की जाए तो सिर्फ हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज संभव है, बाकी तो किसी प्रकार की वहाँ जाने की सुविधा नहीं है। तो सरकार से आप मांग करते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दे? हाँ, अगर ये है कि ये लोग इलेक्शन में शामिल हों वोट डालें तो करें व्यवस्था। ये मामला सही है, मामला
है, जाने में परेशानी होगी बरसात का टाइम है। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ की पोलिंग सुधार। मैं राजमल सिंह भूतपूर्व सरपंच हिंदौती वर्तमान में सिदहा पंचायत का निवासी हूँ और मैंने पोलिंग सिदहा पोलिंग के संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई थी। SDO रेवन्यू मनगमा आए थे और शिकायत सुनने उनको सिदहा आने चाहिए। शिकायत का जो मकसद था वो ये था कि सिदहा वालों को वोट डालने में लेवरिया सुविधा हो रही है नहीं हो रही है। आज के लाने इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहे अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।